डिप्टीगंज चौराहे पर मंगलवार दोपहर हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हितेश से एक युवक ने अभद्रता कर दी, जान से मारने की धमकी भी दी। जानकारी पर शहर विधायक रितेश गुप्ता समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने को कहा गया। कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। सिविल लाइंस पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। नागफनी थाना क्षेत्र में हिंदू जागरण मंच का कार्यालय है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री हितेश बंसल कार्यालय में ही रहते हैं। मंगलवार को वो अपने एक परिचित के साथ संबल गए थे। दोपहर 12 बजे वो संबल से लौट रहे थे। उनकी बाइक डिप्टीगंज पर जाम में फंस गई। उन्होंने बाइक निकालने का प्रयास किया। आरोप था कि जाम खुलवा रहा नदीम भड़क गया। उसने हितेश से बदसलूकी कर दी। इससे चौराहे पर हंगामा हो गया। जानकारी पर नगर विधायक रितेश गुप्ता सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने डिप्टीगंज चौराहे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। वो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सिविल लाइंस और नागफनी पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल लाइंस पुलिस ने नदीम नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। SSI संजय धीर ने इसकी पुष्टि की है। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच के श्री हितेश जी संघ कार्यालय की तरफ आ रहे थे, डिप्टीगंज कार्यालय की तरफ। डिप्टीगंज चौराहे पे एक नदीम नाम के व्यक्ति ने उनकी मोटरसाइकिल को रोका। उन्होंने कारण पूछा तो उसने उनसे अभद्रता करी, गाली गलौज करी और जान से मारने की धमकी दी। आदरणीय हितेश जी का फोन मेरे पास आया तो तुरंत मैंने माननीय SSP साहब को, SPCD साहब को, इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स को फ़ोन किया। तुरंत फोर्स भी आई और हम लोग भी वहाँ पहुँच गए और एक बड़ी घटना जो वहाँ घटित हो सकती थी उसको रोका गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि इस तरीके से एक प्रचारक के साथ बदतमीजी सार्वजनिक रूप से की गई। इस पर कड़ी कार्रवाई इस पर प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। एक तहरीर थाना सिविल लाइन्स में इसकी दे दी गई। क्या कहें, कोई इंटेंशन रही या फिर कुछ और? अब देखिए, उसकी गिरफ्तारी शायद प्रशासन द्वारा कर ली गई है। वो पूछताछ में पता चलेगा कि क्या उसकी इंटेंशन थी इसके पीछे। क्या कहूँगा,